अगर आप भी अपने आईफोन से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, आज मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने आईफोन के डेटा अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इजीली कॉपी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल NCL कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में, लास्ट तक स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आईफोन से डेटा सेंड करने या रिसीव करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, सिंपली आप गूगल क्रोम में टाइप करें सेंड लोकल। यहाँ पे जो पहला वेबसाइट है इसे ओपन कर ले, यहाँ डाउनलोड में क्लिक करें। हमें विंडोज के लिए चाहिए तो हम विंडोज वाले ऑप्शन में जाकर के यहाँ exe फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ अलाउ में क्लिक करें। अब सेम प्रोसेस हमें अपने मोबाइल पे भी करने होंगे। अब आप अपने मोबाइल पे आ जाए, मोबाइल के प्ले स्टोर में। जैसे मुझे आईफोन से डेटा शेयर करना है तो मैं आईफोन के प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ आप टाइप करें लोकल सेंड, यहाँ आ चुका है। यहाँ इस ऐप को इंस्टॉल कर ले। ध्यान रखें, मोबाइल और आपका कंप्यूटर या लैपटॉप जिसमें भी आप डेटा लेना चाहते हैं या सेंड करना चाहते हैं वो दोनों एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड हो। ओपन में क्लिक करें तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर में भी ये ऑप्शन खुल गया है और हमारे मोबाइल में भी ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब जैसे कि मुझे आईफोन से कंप्यूटर में डेटा सेंड करना है, हालांकि ये जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ इससे किसी भी तरह का क्वालिटी लॉस नहीं होता। जो एक्चुअल फोटो वीडियो आपके मोबाइल पे होता है वो सेम एक्चुअल फोटो वीडियो आपके कंप्यूटर में चला जाता है। क्योंकि मुझे आईफोन से डेटा अपने कंप्यूटर पे लेना है तो मैं यहाँ सेंड वाले ऑप्शन में क्लिक करूंगा। यहाँ मीडिया वाले ऑप्शन में चले जाए, कोई फाइल या फोल्डर वीडियोस वगैरह भेजने हैं। यहाँ से मुझे एक वीडियो क्लिप सेंड करना है तो मैं उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और भी आपको जो करना है, एक बार मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ कन्फर्म में क्लिक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने वीडियो सिलेक्ट किया था वो अशोका है। यहाँ पे हैंडसम करके मेरा कंप्यूटर का यूजर नेम आ चुका है। यहाँ पे वो कंप्यूटर मुझे दिख रहा है तो मैं इस वाले कंप्यूटर में क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर मेरे कंप्यूटर में एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा एक्सेप्ट करने का, तो मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर लूंगा। अब आप देख सकते हैं 5 सेकंड तक नहीं लगा और ये पूरा का पूरा वीडियो फुल क्वालिटी में मेरे कंप्यूटर में आ चुका है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेटा ट्रांसफर स्पीड वगैरह देखने को मिलेंगे कि किस स्पीड में जा रहा है, कितना फाइल है, कितना टाइम लगेगा। तो सारा डिटेल आप अपने मोबाइल पे और यहाँ कंप्यूटर में भी चेक कर सकते हैं एडवांस वाले ऑप्शन में जा करके। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये वीडियो हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो चुका है, या डन में क्लिक करें। अब आपको चेक करना है कि आपका वीडियो या फोटोज आपने जो लिया है वो कहाँ आया है, तो उसके लिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। मैं दिस पीसी अपने कंप्यूटर में ओपन कर लूंगा। यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन में चले जाए। यहाँ पे हमने जो वीडियोस डाउनलोड किया है या वीडियो हमने मोबाइल से लिया, यहाँ पे वो वीडियो आ चुका है जो हमने मोबाइल से रिसीव किया था अपने कंप्यूटर में। इसे मैं प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्चुअल में वही क्वालिटी मेरे कंप्यूटर में आया है जो क्वालिटी मेरे मोबाइल पे था। तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल, फोल्डर या कोई भी डेटा को आप अपने कंप्यूटर में आईफोन से रिसीव कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल मेथड है, पावरफुल मेथड है, जिससे आपके वीडियोस और फोटोज की क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं घटती और बहुत ही हाई स्पीड में आपको आपका डेटा आपके कंप्यूटर पे आपके मोबाइल के थ्रू मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ आज का इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।